इलेक्शन होने जा रहा है। इस बार पार्टी नेता मुख्यमंत्री नहीं बदलेंगे, बल्कि बदलेंगे इस बार स्कूल, बदलेंगे इस बार अस्पताल, बदलेंगे इस बार वो पेपर जो हर बार फूट जाते हैं, लीक हो जाते हैं और हमारे बच्चे एग्जाम नहीं दे पाते, नौकरी नहीं दे पाते, बदलेंगे वो। बदलेंगे इस बार जीरो बिजली के बिल, जो बिजली के बिल हजारों हजारों रुपए के आते हैं, इस बार बदलेंगे, जीरो आने शुरू हो जाएंगे। माताएं बहने जो सोचती हैं 200 रुपए 100 रुपए अपने कुछ लिए ले आए, उनके लिए कुछ नाती पोते आते हैं घर में उनके लिए कुछ कर दें, बेटी आती है उसके लिए कुछ कर दें, कुछ अपने लिए कर लें, उनको 1000 रुपए हर महीने मिलेगा। बदलेगा इस बार ये, बदलेगा इस बार ये कि लाखों नौकरियां लगेंगी, जो दिल्ली में करके दिखाया वो पंजाब में करके दिखा रहे हैं और फिर गुजरात में करके दिखाएंगे, लाखों नौकरियां लगेंगी। और जब तक नौकरी नहीं लगेगी, नौजवान को 3000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इस बार बदलेगा ये, इस बार ईमानदारी के लिए बदलिए, काम करने वाले के लिए बदलिए। बहुत बार बदलने के लिए कोशिश कर ली आपने, 35 साल हो गए एक्टिविस्ट करते हुए, काम करते हुए, लेकिन चीजें नहीं बदली। यहाँ पे कभी कांग्रेस आ गई, कभी बीजेपी आ गई, बीजेपी आ गई, 27 साल से बीजेपी है। तो मैं आपके बीच यही कहने आया कि जितना आप परिवर्तन की बात करेंगे, उतना इस बात की गारंटी है कि हमारे बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनेंगे, क्योंकि हमें स्कूल बनाने आते हैं। दिल्ली में करके दिखाया, अभी गुजरात में करके दिखाएंगे, अस्पताल बनाने आते हैं, बिजली के बिल जीरो करने आते हैं, ये सब आता है, ये राजनीति नहीं करने आती। जैसे जैसे गुजरात में माहौल बन रहा है, पिछले 5-6 महीने से गुजरात में माहौल बन रहा है कि भाई अब की बार केजरीवाल को मौका देके देखते हैं, एक बार झाड़ू वालों को मौका देके देखते हैं, इस बार झाड़ू पे बटन दबा के देखते हैं, वैसे वैसे ये लोग केजरीवाल जी के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। केजरीवाल ये है, केजरीवाल जी वो है, सुदाम गढ़वी ये है, अभी तो आप लोग सारे जानते हो कितने साल से, अभी देखना सागर भाई के ऊपर भी कीचड़ उछालेंगे। लेकिन इनके कीचड़ से मत घबराना, आप अपने पे डिग रहना कि झाड़ू पे बटन दबाना है। ये दुखी करेंगे, सारे कांग्रेस और बीजेपी वाले मिलकर इकट्ठे होकर गाली देंगे केजरीवाल जी को। मेरे को बोले ये गुजरात में डरते हैं, गुजरात का आदमी ये सोचने लगे कि हमको बीजेपी को वोट नहीं देना है तो दिल्ली में बैठे बीजेपी के नेता डरने लगते हैं। जब आपने ये सोचना शुरू किया गुजरात के लोगों ने कि इस बार झाड़ू पे बटन दबाएंगे, तो मेरे पास आए बोले केजरीवाल जी का साथ छोड़ दो, मुख्यमंत्री बना देंगे। मैंने कहा मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं बिकाऊ नहीं हूं, मैं जिस खानदान से आता हूं उस खानदान का नेता घास की रोटी खा लेता है, अपने बच्चों को घास की रोटी खिला लेता है, लेकिन वो बिकता नहीं है, वो दिल्ली में बैठी किसी बड़ी सत्ता के सामने झुकता नहीं है। मैं वहां से आता हूं, मेरे बचपन में मुझको पढ़ाया गया था कि हमारे किसी बड़े ने घास की रोटी खा ली थी लेकिन वो झुका नहीं था, मैं उससे आता हूं, मैं झुकूंगा नहीं। ये मुख्यमंत्री के लिए मुझे झुकाना चाह, पहले मुझे डराया, बोले सीबीआई से फंसा देंगे, ईडी से फंसा देंगे, गिरफ्तार करवा देंगे, जेल में डलवा देंगे। मैंने कहा डलवा दो, मैंने कोई चोर मुख्यमंत्री बनने नहीं आया, मैं नौकरी देने आया हूं, मुख्यमंत्री बनने नहीं आया, मैंने मना कर दिया। अभी आपके पास भी आएंगे, आपको ये कर देंगे, वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। ये बीजेपी वाले वोट मांगते हैं फ्री में, और बाद में अगर उनको कहो बिजली दे दो तो बोले जनता को फ्री में कुछ नहीं मिलना चाहिए, पढ़ाई नहीं मिलनी चाहिए, रोजगार नहीं मिलना चाहिए। तो आप सबके बीच यही निवेदन, यही विनती करने आया हूं कि इस बार झाड़ू पे बटन दबा के केजरीवाल जी को एक मौका जरूर दें। आप देखेंगे कि 5 साल में दिल्ली का बदल गया, पंजाब का बदल रहा है, और गुजरात का माहौल भी बदलेगा। भारत।